हेलो दोस्तों, मैं विक्रम, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए 15 बहुत ही शानदार बिजनेस आइडिया लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, इस एक ही वीडियो में मैं आपको 15 अलग अलग बिजनेस बताने वाला हूँ। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरे साल भर चलते हैं, जिंदगी भर तक चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें से कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जो थोड़े टाइम के बाद बंद हो जाएगा। एक बार अगर आप ये बिजनेस शुरू कर देते हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी जो है इस बिजनेस से कमाकर खाएगी। दोस्तों, ये जो बिजनेस है, इन बिजनेस को आप 10,000 रुपये से लेकर 1.5 से 2 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो 15 बिजनेस बताने वाला हूँ, इसमें मैं आपको अलग अलग टाइप के बिजनेस बताने वाला हूँ। कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिन्हें आप 10,000 में शुरू कर सकते हो, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिन्हें आप 20,000 में शुरू कर सकते हो, कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिन्हें आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक शुरू कर सकते हो, और कुछ बिजनेस ऐसे होंगे जिन्हें आप 2 लाख रुपए तक में भी शुरू कर सकते हो। यानी दोस्तों, इस वीडियो में उन सभी लोगों को बिजनेस मिल जाएंगे जो लोग कम इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जो लोग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों के पास जो है मीडियम पैसा, यानी वो कम वाला बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहते और ज़्यादा पैसों वाला बिजनेस भी शुरू नहीं करना चाहते हैं। सभी टाइप के बिजनेस आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि अगर आप ये 15 के 15 बिजनेस पूरे देखते हो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल देता हूँ दोस्तों, इन 15 बिजनेस में से आपको 2 या 3 बिजनेस जरूर पसंद आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इन 15 बिजनेस में से आपको 2 या 3 बिजनेस जरूर पसंद आएंगे। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरी देखते रहिए, तभी आपको जो है इन 15 बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, और पास में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी सिलेक्ट कर लो, जिससे आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जिस 15 बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसमें से हमारा पहला जो बिजनेस है वो है क्लिप मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, क्लिप मेकिंग बिजनेस आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, क्लिप मेकिंग मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। ये मशीन जो है क्लिप को तैयार कर देती है ऑटोमेटिक। दोस्तों, ये जो मशीन है, इस मशीन के अंदर आपको सिर्फ लोहे की चद्दर को कुछ इस प्रकार से डालना होता है, फिर मशीन जो है ऑटोमेटिक क्लिप तैयार कर देती है। दोस्तों, क्लिप बनाना बहुत ही ईजी है। अभी आप में से बहुत से लोग तो समझ गए होंगे कि क्लिप का यूज कहाँ पर होता है, लेकिन बहुत से लोगों को अभी तक पता नहीं होगा कि ये मशीन बना तो रही है क्लिप, लेकिन इसका यूज कहाँ पर होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, क्लिप का यूज जो है बड़े बड़े कार्टून को पैक करने के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, छोटी छोटी जो दुकानें होती हैं, बड़ी बड़ी जो होलसेल शॉप होती हैं, या फिर जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो गई, बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पर कार्टून को पैक करने के लिए क्लिप का यूज किया जाता है। कार्टून के चारों तरफ पहले जो है डोरी बांधी जाती है, और फिर उसके बाद उसके अंदर क्लिप लगाए जाते हैं, जिससे कार्टून जो है फटता नहीं है। क्योंकि दोस्तों, ये जो कार्टून होते हैं, ये कार्टून एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाते हैं, एक गांव से दूसरे गांव में भी जाते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा वजन होता है। तो इसकी वजह से जो है क्लिप लगाने से वो डोरी जो होती है वो खुलती नहीं है, और कार्टून की पैकेजिंग एकदम अच्छे तरीके से हो जाती है, और फिर कार्टून जो है कभी भी फटता नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है क्लिप का यूज होता है, यानी कार्टून को पैक करने के लिए क्लिप का यूज किया जाता है। अभी दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि अगर हम इस मशीन को खरीद लें और क्लिप बनाकर भी रख दे तो उनको हम सेल कहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दिया है, छोटी छोटी दुकानें हो गई, बड़ी बड़ी होलसेल शॉप हो गई, फैक्ट्री हो गई, बड़े बड़े कारखाने हो गए, या फिर बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर आप इनको सेल कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आपको एक बेनिफिट ये होता है कि आप जहाँ से भी क्लिप मेकिंग मशीन खरीदोगे, वो कंपनी आपको जो है ये भी बताएगी कि आपको क्लिप को कहाँ पर बेचना है, यानी आपको अगर क्लिप को ज़्यादा क्वांटिटी में सेल करना है तो आप कहाँ पर सेल कर सकते हो। यानी दोस्तों, वो जो है आपको बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियाँ होती है, उनका एड्रेस और उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल दे देते हैं, जिससे आप जो है क्लिप को बनाकर डायरेक्ट उनको ही बेच सकते हो। इससे ये होगा कि आपको ज़्यादा झंझटमारी करने की ज़रूरत नहीं होगी, आपने क्लिप को तैयार कर दिया और डायरेक्ट आपको बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में और बड़े बड़े कारखाने में और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में आपको क्लिप को सप्लाई कर देना है, जिससे आपको जो है एक साथ में कमाई भी हो जाएगी और आपका बिजनेस भी बहुत ही अच्छे से चलेगा। अगर आप मार्केट में सेल करना चाहते हो तो मार्केट में भी सेल कर सकते हो, और अगर आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे भी सेल कर सकते हो। दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं कि क्लिप मेकिंग बिजनेस अगर आप शुरू करते हो, क्लिप मेकिंग मशीन अगर आप लगाते हो तो आपका कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो दोस्तों, 1.5 से 2 लाख रुपए में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पूरा कंप्लीट सेटअप जो है आपके 1.5 से 2 लाख रुपए में हो जाएगा। इसके अलावा
आपका कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगेगा। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कोई अलग से जगह लेने की जरूरत नहीं है। इन मशीनों को आप अपने घर में ही जो है एक छोटे से कमरे में लगा सकते हो और इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। अभी हम बात कर लेते हैं कि अगर आप इस बिजनेस को शुरू करते हो तो आप कितना पैसा कमा सकते हो, कितना प्रॉफिट आपको होगा। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करके जो है अकेला व्यक्ति, जी हाँ दोस्तों, एक अकेला व्यक्ति एक दिन के बहुत ही आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये तक कमा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अकेला व्यक्ति जो है बहुत ही आराम से 2 से 3 हज़ार रुपये तक कमा सकता है इस बिजनेस को शुरू करके। यानी दोस्तों आप मशीन के अंदर जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी पैसा लगाओगे, वो आपका जो पैसा है मात्र 3 महीने में पूरा कवर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 3 महीने में आपने जो भी पैसा लगाया है वो सभी पैसा आपका निकल जाएगा। और दोस्तों ये बिजनेस जो है बहुत ही ज़्यादा चलता है, इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। आप अपने गांव में या फिर शहर में चेक कर सकते हो, अभी तक जो है ऐसी मशीन किसी ने भी नहीं लगाई होगी। इसलिए अगर आप इस मशीन को लगाकर बिजनेस को शुरू करते हो तो आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जिसने जो है पूरे गाँव में और इस पूरे शहर में ये मशीन लगाई है। यानी दोस्तों आपकी भी डिमांड ज़्यादा होगी, आपकी मशीन की भी डिमांड ज़्यादा होगी और आपके प्रोडक्ट की भी डिमांड ज़्यादा होगी। तो दोस्तों ये था हमारा पहला बिजनेस, क्लिप मेकिंग बिजनेस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों हमारा दूसरा जो बिजनेस है वो है एल्यूमिनियम फॉइल मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम फॉइल मेकिंग बिजनेस। एल्यूमिनियम फॉइल बनाने की मशीन कुछ इस प्रकार की होती है, आप देख सकते हो वीडियो के अंदर। ये मशीन जो है ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम फॉइल को तैयार कर देती है। आपको जो है सिर्फ एल्यूमिनियम का बड़ा रोल इसके अंदर डालना होता है, फिर मशीन जो है एल्यूमिनियम फॉइल ऑटोमेटिक बना के तैयार कर देती है। आपको इसके अंदर साइज सेट करनी है कि आपको कितने किलो का जो है एल्यूमिनियम फॉइल तैयार करना है या फिर कितने ग्राम का एल्यूमिनियम फॉइल तैयार करना है, उसके हिसाब से ये मशीन जो है इस रोल के ऊपर एल्यूमिनियम फॉइल को लपेटेगी। उसके बाद आपको इसकी पैकेजिंग करनी होती है और आपका जो एल्यूमिनियम फॉइल है वो कंप्लीट बनकर तैयार हो जाता है। अभी एल्यूमिनियम फॉइल का यूज कहाँ पे होता है वो तो आपको पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जो मार्केट में जो नाश्ता बाजार होता है, जी हाँ दोस्तों, नाश्ता बाजार में इसका यूज किया जाता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड को पैक करने के लिए। बड़ी बड़ी जो होटलें हो गई, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हो गए, बड़े बड़े ढाबे हो गए या फिर बड़ी बड़ी जो नाश्ते की शॉप हो गई, फास्ट फूड की शॉप हो गई, वहाँ पर एल्यूमिनियम फॉइल का यूज किया जाता है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, तो उनको जो है इसके अंदर पैक किया जाता है जिससे वो गर्म रहते हैं। और होटल और रेस्टोरेंट में जो है रोटियां इसमें ही पैक करके रखी जाती हैं। तो दोस्तों एल्यूमिनियम फॉइल की डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा है। आप किसी भी गांव में हो, किसी भी शहर में हो, हर जगह पर आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होटल देखने को मिल जाएगी, रेस्टोरेंट देखने को मिल जाएंगे, ढाबे देखने को मिल जाएंगे, नाश्ते की लारी आपको देखने को मिल जाएगी, नाश्ते की शॉप आपको देखने को मिल जाएंगी। यानी दोस्तों अगर आप इस बिज़नेस को शुरू करते हो तो आप खाली भी नहीं बैठोगे और बहुत ही अच्छा खासा पैसा भी जो है आप इस बिज़नेस से कमाओगे। दोस्तों ये मशीन भी जो है नई मशीन है, लोगों को इस मशीन के बारे में अभी तक पता नहीं है। आप अपने गांव या फिर अपने शहर में चेक कर सकते हो, अभी तक ये मशीन किसी ने अभी नहीं लगाई होगी। दोस्तों अगर आप इस प्रोडक्ट को बनाकर अपने गांव या फिर अपने शहर में ही सेल कर देते हो तो भी आप जो है एक दिन के आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, एल्यूमिनियम फॉइल जो है ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है, इस बिज़नेस को करके आप एक दिन के आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। अगर आप अपने आसपास के सभी गांव और सभी शहर में तो सेल करते हो तो दोस्तों आप एक दिन के 10 हज़ार रुपये तक भी कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये प्रोडक्ट जो है आपके गांव में या फिर आपके सिटी में जो है बाहर से आता होगा, किसी दूसरे जो है स्टेट से आता होगा, तो वो जो है इसका चार्ज भी ज़्यादा लेते होंगे, यहाँ पर आने का भी जो है लोगों का पैसा लगता होगा। तो अगर आप डायरेक्ट जो है इसको बनाकर सेल करोगे तो आप कम रेट में बेचोगे तो आपके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा सेल होगे और लोगों को भी फायदा होगा, इसलिए लोग जो है आपके पास से ही एल्यूमिनियम फॉइल लेना पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये था हमारा दूसरा बिजनेस, एल्यूमिनियम फॉइल मेकिंग बिजनेस। तो दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे तीसरे बिजनेस के बारे में। हमारा तीसरा जो बिजनेस है वो है चैन लिंक फेंसिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, वीडियो के अंदर आप देख सकते हो चैन लिंक बनाने की मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। चैन लिंक का यूज कहाँ पर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। बड़े बड़े मैदान हो गए, बड़े बड़े ग्राउंड हो गए, बड़े बड़े खेत हो गए, उनके चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए इसका यूज किया जाता है। बड़ी बड़ी स्कूलें हो गई, कॉलेज हो गए, उनके चारों तरफ बाउंड्री करने के लिए चैन लिंक का यूज किया जाता है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये मशीन जो है किस प्रकार से चैन लिंक तैयार कर रही है। मशीन के अंदर आपको रॉ मटेरियल डाल देना होता है, फिर मशीन जो है ऑटोमेटिक चैन लिंक को तैयार करना शुरू कर देती है और बहुत ही फटाफट ये मशीन काम करती है और बहुत ही जल्दी से जो है चैन लिंक बनाती है। दोस्तों ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको पूरे दिन में ज़्यादा कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पूरे दिन में सिर्फ एक कस्टमर को पकड़ लेते हो तो आप एक दिन के बहुत ही आराम से 5 से 10 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। यानी एक जो कस्टमर है वही आपके पास से इतना सारा चैन लिंक लेके जाएगा
जैसे कि उसने बोल दिया कि मुझे 100 फीट जो है चैन लिंक चाहिए, तो दोस्तों वहाँ पर जो है आपको बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, क्योंकि 100 फीट दोस्तों बहुत ही ज़्यादा होता है और उसी एक ही कस्टमर के पीछे जो है आपको 5 से 10 हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो जाता है। यानी पूरे दिन में आपको सिर्फ एक कस्टमर मिल जाए तो आप जो है अच्छी खासी कमाई कर लेते हो। और दोस्तों सबसे खास बात ये है कि अगर लोगों को पता चलता है कि आपने चैन लिंक बनाने की फैक्ट्री ओपन की है या फिर आपने चैन लिंक बनाने की मशीन लगाई है, तो कस्टमर खुद आगे से आपके पास आते हैं इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपको घर घर पे जाके बोलना पड़ता है या फिर लोगों को बताना पड़ता है कि मैंने जो है चैन लिंक बनाने की मशीन लगाई है। जैसे ही लोगों को पता चलता है तो लोग जो है खुद आपके पास इस प्रोडक्ट को लेने के लिए आएंगे। यानी आपको इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट वगैरह करने की कोई भी ज़रूरत नहीं रहती है, ग्राहक जो है खुद आपके पास आते हैं, आपको ग्राहक को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है। तो दोस्तों ये था हमारा तीसरा बिजनेस, चैन लिंक फेंसिंग बिजनेस। इस बिजनेस को जो है आप 3 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 3 लाख रुपए में, ज़्यादा से ज़्यादा आप 8-10 लाख रुपए भी इस बिजनेस के अंदर लगा सकते हो। अभी हम बात कर देते हैं स्पंज स्क्रबर मेकिंग बिजनेस। दोस्तों ये बहुत ही शानदार बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा चलता है, पूरे इंडिया में जो इस प्रोडक्ट का यूज होता है दोस्तों, खाली इंडिया ही नहीं आउट ऑफ कंट्री भी जो है इस प्रोडक्ट का यूज होता है। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, इसको बनाना बहुत ही ईजी है। इस बिजनेस को आप 1.5 से 2 लाख रुपये में शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस आप देख सकते हो, जो स्पंज होता है उस स्पंज के ऊपर जो है आपको कुछ इस प्रकार से कपड़े को लगाना होता है। फिर उसके बाद ये जो है कटिंग मशीन है, इस मशीन के अंदर जैसे ही आप इस पूरे सेट को डालते हो तो ये मशीन जो है ऑटोमेटिक स्पंज स्क्रबर को कट करती है और उनकी सिलाई वगैरह पूरी ये मशीन ही कर देती है। यानी दोस्तों आपको सिर्फ एक इस छोटी सी मशीन की ज़रूरत होती है और आपका स्पंज स्क्रबर बनाने का बिजनेस चालू हो जाएगा। और दोस्तों आजकल मार्केट में जो है वो तार वाले जो स्क्रबर होते हैं उनकी डिमांड ख़त्म हो गई और स्पंज स्क्रबर जो है मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहे हैं। इस बिजनेस को आप मात्र 1.5 से 2 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो। और दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करके आप जो है एक दिन के बहुत ही आराम से 2000 रुपए तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को करके जो है आप एक दिन के बहुत ही आराम से 2000 रुपए तक, यानी महीने के 60,000 रुपए तक जो है आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। तो दोस्तों ये था हमारा चौथा बिजनेस, स्पंज स्क्रबर मेकिंग बिजनेस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे पांचवें बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों हमारा पांचवा जो बिजनेस है वो है सोयाबीन पनीर मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, सोयाबीन पनीर की डिमांड जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। मार्केट में दूध की कमी होने के कारण जो है लोग अभी सोयाबीन पनीर बनाने का प्लांट लगा रहे हैं। दोस्तों इसमें ये होता है कि जो सोयाबीन होती है उसका दूध निकालकर आप पनीर को तैयार करते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एक नई मशीन है, ये एक यूनिक प्रोसेस है और नया बिजनेस है। बहुत कम लोग इस बिजनेस के बारे में जानते हैं। इस बिजनेस के अंदर ये होता है कि आपको जो है सोयाबीन को इस मशीन के अंदर डालना होता है, फिर ये मशीन जो है सोयाबीन का दूध निकालती है, उसके बाद उसी दूध से जो है आप पनीर बना सकते हो। और भी दूध के बहुत सारे प्रोडक्ट है वो आप इस मशीन से जो है तैयार कर सकते हो। इस प्लांट को लगाकर जो है आप 10 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट जो है तैयार कर सकते हो। तो दोस्तों सोयाबीन पनीर बनाने का जो बिजनेस है, नया बिजनेस है, यूनिक बिजनेस है, इस प्लांट के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आप इस प्लांट को अपने गांव में या फिर अपने शहर में लगा देते हो तो आप दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमा लोगे। और दोस्तों जितना जल्दी आप इस प्लांट को लगाओगे उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि लोग अभी तक इस बिजनेस के बारे में जानते नहीं है, इस प्लांट के बारे में जानते नहीं है। जैसे ही लोगों को पता चल जाएगा तो लोग जो इस प्लांट को लगा लेंगे। सोयाबीन पनीर का अगर आपको प्लांट लगाना है तो उसके लिए आपको 4 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसकी जो मशीनें होती है वो बड़ी बड़ी आती है, इसलिए आपको कम से कम जो है 4 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट में आपका सोयाबीन पनीर बनाने का जो प्लांट है वो लग जाएगा और 4 लाख रुपए में आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हो। और दोस्तों इस बिज़नेस से अगर हम कमाई की बात करें तो इस प्लांट को लगाकर आप 10 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10 अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हो। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो कि इस प्लांट के अंदर हम और कौन कौन से प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो उस वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो दोस्तों 4 लाख रुपए में आपका सोयाबीन पनीर बनाने का बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। इस बिजनेस से कमाई की बात करें तो आप इस बिजनेस से जो है एक दिन के 10,000 रुपए तक कमा सकते हो, क्योंकि इस प्लांट को लगाकर जो है आप 10 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। और सभी प्रोडक्ट के पीछे अगर आपको थोड़ी थोड़ी कमाई होती है तो आप 10,000 रुपए तक जो है सोयाबीन पनीर बिजनेस से बहुत ही आसानी से एक दिन के कमा सकते हो। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे छठे बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों हमारा छठा जो बिजनेस है वो है वैक्यूम सीलर पैकेजिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, वैक्यूम सीलर पैकेजिंग बिजनेस।
दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है, मात्र 10,000 रुपये में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस के अंदर आप 20 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। सबसे कम इन्वेस्टमेंट में ये बिजनेस शुरू होगा और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाला ये बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको इस छोटी सी मशीन की जरूरत होती है। इस मशीन की प्राइस मात्र 7,500 रुपये है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 7,500 रुपये जो है इस मशीन की प्राइस है। और ये छोटी सी मशीन बहुत ही कमाल की मशीन है। ये छोटी सी मशीन बहुत ही बड़ा काम करती है दोस्तों। इस मशीन का नाम है वैक्यूम सीलर मशीन, और नाम से ही आप समझ गए होंगे ये मशीन जो है प्रोडक्ट की एयर निकालती है और उसके बाद उसकी पैकिंग करती है। दोस्तों आप वीडियो में देख सकते हो कुछ इस प्रकार से जो ये मशीन काम करती है। प्रोडक्ट के अंदर जितनी भी हवा होती है उस हवा को ये मशीन बाहर निकाल देती है, उसके बाद उसकी पैकेजिंग करती है। दोस्तों हवा निकालने से ये होता है आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपका जो भी पैकेट है, उसकी लाइफ बढ़ जाती है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। दोस्तों इस मशीन से आपके मन में जो इच्छा है वो प्रोडक्ट आप पैक कर सकते हो, यानी इस मशीन से आप बहुत सारे बिजनेस जो एक साथ में शुरू कर सकते हो। दोस्तों इस मशीन की प्राइस 7,500 रुपये है। इस बिज़नेस को अगर आप शुरू करना चाहते हो, इस मशीन को लगाकर अगर आप बिज़नेस को शुरू करते हो, तो 10,000 रुपये में जो है आपका वैक्यूम सीलर पैकेजिंग का बिजनेस शुरू हो जाएगा। और इस मशीन से आप जो भी प्रोडक्ट तैयार करोगे उनकी डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रोडक्ट जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलते हैं, और इन प्रोडक्ट के पीछे जो है आप बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट रख के उन्हें मार्केट में सेल कर सकते हो, जिससे आपको बहुत ही अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो वैक्यूम सीलर मशीन की प्राइस 7,500 रुपये। अगर आप इस मशीन को ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप वैक्यूम सीलर मशीन को ख़रीद सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये छोटी सी मशीन है और ये मशीन जो है आपको कंपनी के पास अवेलेबल हो जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं। और दोस्तों अगर आप अभी इस मशीन को ख़रीदते हो तो मशीन के साथ जो है कंपनी आपको 2 kg पाउच फ्री में दे रही है। जी हाँ दोस्तों, 2 kg जो सिल्वर पाउच है वो कंपनी आपको फ्री में दे रही है। इसलिए जल्दी से जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए हुए हैं, और इस मशीन को ख़रीद कर अपना बहुत ही बढ़िया सा एक बिज़नेस शुरू कर लीजिए। तो दोस्तों ये था हमारा 6ठा बिजनेस, वैक्यूम सीलर पैकेजिंग बिजनेस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 7वें बिजनेस के बारे में, एल्बो पाइप मेकिंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस भी बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। ये एक लघु उद्योग है, इस बिजनेस को आप अपने घर से ही शुरू कर सकते हो, छोटा व्यवसाय है। मात्र 10,000 रुपये में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। एल्बो पाइप देख सकते हो वीडियो के अंदर कुछ इस प्रकार के होते हैं, इनको बनाना बहुत ही ईजी है। बिना मशीन के जो है आप एल्बो पाइप तैयार कर सकते हो, हर आदमी एल्बो पाइप बना सकता है। अगर आपके घर पर कोई औरत है, कोई स्टूडेंट है, तो वो भी एल्बो पाइप को तैयार कर सकता है। एल्बो पाइप का यूज कहाँ पर होता है तो आप देख सकते हो, लाइट का काम होता है वहाँ पर एल्बो पाइप का यूज किया जाता है, या फिर पानी की फिटिंग वगैरह की जाती है वहाँ पर एल्बो पाइप का यूज किया जाता है। एल्बो पाइप को बनाकर आप कहाँ पे सेल कर सकते हो, तो मार्केट में बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप होती है, होलसेल शॉप हो गई इलेक्ट्रॉनिक्स की, या फिर बहुत सारी ऐसी सैनिटरी और हार्डवेयर की शॉप होती है, वहाँ पर आप एल्बो पाइप को बनाकर सेल कर सकते हो। दोस्तों एल्बो पाइप का बिजनेस जो है आपके 10,000 रुपये में शुरू हो जाएगा, और आप इस बिजनेस से जो है एक दिन के 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपये तक कमा सकते हो। यानी कम से कम जो है इस बिजनेस को शुरू करके आप एक दिन के 1,000 रुपये तक कमा सकते हो। दोस्तों ये था हमारा 7वां बिजनेस, एल्बो पाइप मेकिंग बिजनेस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 8वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों हमारा 8वां जो बिजनेस है वो है कचरी मेकिंग बिजनेस। दोस्तों आप वीडियो के अंदर देख सकते हो कचरी बनाने की मशीन कुछ इस प्रकार की होती है। दोस्तों ये छोटा सा प्रोडक्ट बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है, मार्केट में इस प्रोडक्ट की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। छोटे बच्चों को जो है ये प्रोडक्ट बहुत ही पसंद आता है। आपने भी अपने बचपन में जो है कचरी खाई होगी, खाने में ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। दोस्तों ये बिज़नेस जो है बहुत ही चलने वाला बिज़नेस है। अभी जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। पहले तो ये प्रोडक्ट मार्केट में बहुत ही ज़्यादा चलता ही था, लेकिन अभी भी जो है इस प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। ये 1 रुपये का प्रोडक्ट जो है आपको एक दिन में बहुत ही आराम से 3 से 4 हज़ार रुपये कमा कर देगा। जी हाँ दोस्तों, कचरी मेकिंग बिजनेस शुरू करके आप एक दिन में जो है 3 से 4 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो। प्रोडक्ट को बनाना बहुत ही ईजी है, आपको एक इस प्रकार की मशीन की ज़रूरत होती है। इस मशीन के अंदर आपको मक्के को डालना होता है, फिर उसके बाद आपको जिस भी कलर की कचरी बनानी होती है उस कलर को आपको इस मक्के के अंदर डालना होता है। फिर उसके बाद ये मशीन जो है मक्के को एकदम बारीक कर देती है। फिर मशीन जो है आगे से इस प्रकार से जो है कचरी के रोल निकालती है। उसके बाद आपको इन रोल को जो है इस कटिंग मशीन से कट करना होता है, जिस भी साइज़ की आप कचरी बनाना चाहते हो। इस टाइप से दोस्तों जो है ये मशीन आपको कचरी बनाकर दे देती है। फिर उसके बाद जो है आपको इन कचरी की पैकेजिंग करनी होती है, और उसके बाद आपका ये जो पैकेट है मार्केट में सेल होने के लिए रेडी है। यानी दोस्तों कचरी बनाना बहुत ही ईजी है। कचरी मेकिंग प्लांट जो है आप अपने घर पर ही लगा सकते हो, या फिर कोई छोटी सी जगह जो है किराए पर लेकर आप इस प्लांट को लगा सकते हो। इस बिज़नेस को करके आप कितना पैसा कमा सकते हो वो मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं आपको बता देता हूँ
कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, तो दोस्तों कम से कम 2 लाख रुपए में जो है आप कचरी बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हो। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 90 बिजनेस के बारे में। हमारा 90 जो बिजनेस है वो है सुतली मेकिंग बिजनेस। इस बिजनेस को आप 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 2 से 2.5 लाख रुपए में जो है आपका सुतली मेकिंग बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बिजनेस बताया वो ज्यादातर बिजनेस जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाले थे। तो आप सोच रहे होंगे कि इन बिजनेस के अंदर तो बहुत ही ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो है उस सभी टाइप के बिजनेस बताए हैं जो अलग अलग लोगों को पसंद आएंगे। जैसे अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस आइडिया चाहिए तो उसको भी जो है इस वीडियो में से बिजनेस मिल जाएगा, या फिर कोई अगर ऐसा है जिसको कम इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस चाहिए तो उस टाइप के बिजनेस भी आपको जो है वीडियो के अंदर आगे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों लास्ट में मैं आपको 2 बिजनेस ऐसे बताऊंगा जिन बिजनेस को आप मात्र 5,000 रुपये में शुरू कर सकते हो। इसलिए दोस्तों प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को आप बीच में स्किप मत करना, आप इस वीडियो को पूरी देखिए। लास्ट में मैं आपको जो 2 बिजनेस बताने वाला हूँ वो आपके 5,000-5,000 रुपये में शुरू हो जाएंगे और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है और बहुत ही ज़्यादा चलने वाले बिजनेस है। तो दोस्तों हमारा 90 जो बिजनेस था सुतली मेकिंग बिजनेस, इस बिजनेस को आप 2 से 2.5 लाख रुपए में शुरू कर सकते हो। बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको 2 मशीनरी लगती है। एक मशीन देख सकते हो वीडियो में कुछ इस प्रकार की, ये मशीन जो है सुतली तैयार कर रही है, फिर उसके बाद दूसरी मशीन जो होती है वो सुतली को रोल के ऊपर लपेटती है, यानी सुतली का एक बड़ा बंडल तैयार करती है। दोस्तों सुतली का यूज कहाँ पर होता है तो आपको पता ही है, मार्केट में हर जगह पे सुतली का यूज होता है। सुतली जो है बहुत ही ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है मार्केट में, हर किसी को जो है सुतली की ज़रूरत है, घर पे भी सुतली का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। दोस्तों ये प्लास्टिक की सुतली बनाने के बिजनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टिक की जो सुतली होती है उसकी ये मशीन है, ये मशीन जो है प्लास्टिक की सुतली तैयार करती है। इस बिजनेस को शुरू करके आप जो है एक दिन के आराम से 4 से 5,000 रुपये तक कमा सकते हो, यानी महीने के 1 से 1.5 लाख रुपये तक जो है इस बिजनेस से कमा सकते हो। ठीक है दोस्तों, अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 10वें बिजनेस के बारे में। हमारा 10वां जो बिजनेस है वो है रबर मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, रबर मेकिंग बिजनेस। दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी ज़्यादा नहीं लगता है। आप 40 से 50 हज़ार रुपये में इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो भी मशीनरी लगती है वो आप वीडियो में देख सकते हो। बहुत ही छोटी सी मशीन से जो है आपका ये बिजनेस शुरू हो जाता है। इस बिजनेस में दोस्तों ये होता है कि ये मशीन जो है रबर को तैयार करती है, उसके बाद आपको रबर के पैकेट बनाकर मार्केट में सेल करना होता है। रबर का यूज़ दोस्तों मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। नोटों पर लगाने के लिए रबर का यूज किया जाता है, मिठाई के बॉक्स पैक करने के लिए रबर का यूज किया जाता है, यानी रबर की डिमांड भी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है। दोस्तों इस एक ही मशीन से जो है आप 2 टाइप के रबर तैयार कर सकते हो। एक रबर जो नोटों पे लगाए जाते हैं और दूसरे रबर जो लड़कियों की छोटी बनाने के लिए यूज में लिए जाते हैं, वो दोनों टाइप के रबर जो आप इस मशीन से तैयार कर सकते हो। ये बिजनेस आपका जो है 80,000 रुपये में शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कम से कम 40,000 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 80,000 रुपये में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस से कितना पैसा दोस्तों आप कमा सकते हो, तो इस बिजनेस को शुरू करके आप एक दिन के 1,000-1,500-2,000 रुपये तक कमा सकते हो। क्योंकि दोस्तों ये छोटी सी मशीन है, इस प्रोडक्ट को जो है आपको मार्केट में सेल करना पड़ता है, तो इसलिए इस बिजनेस से जो है आप 2,000 रुपये तक एक दिन के कमा सकते हो। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 11वें बिजनेस के बारे में। हमारा 11वां जो बिजनेस है वो है कॉटन रोल मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, कॉटन रोल मेकिंग बिजनेस आप वीडियो के अंदर देख सकते हो। कॉटन रोल कुछ इस प्रकार का होता है। ये मशीन जो है कॉटन रोल को कुछ इस प्रकार से तैयार करती है। सबसे पहले जो इस मशीन का यूज करके कॉटन रोल बनाया जाता है, फिर कॉटन को जो है रोल के ऊपर लपेटकर फाइनल आपका प्रोडक्ट जो है कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाता है। दोस्तों इसको कॉटन रोल बोला जाता है और आप समझ गए होंगे इसका यूज कहाँ पर होता है। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल में इसका यूज किया जाता है। हॉस्पिटल में अगर किसी भी आदमी के लग वगैरह जाती है तो वहाँ पर जो है कॉटन रोल को लगाया जाता है। दोस्तों इसको आपको कहाँ पर बेचना होता है, तो मेडिकल्स हो गए, हॉस्पिटल हो गए, बड़ी बड़ी होलसेल मेडिकल या फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर आप कॉटन रोल को जो है डायरेक्ट सेल कर सकते हो। दोस्तों ये मशीन भी नई है, यूनिक मशीन है, बहुत कम लोगों को पता है इस मशीन के बारे में। अगर आप इस मशीन को अपने गांव या फिर अपने शहर में लगाते हो तो बहुत ही अच्छा खासा पैसा आप इस मशीन से कमा सकते हो। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए 2,20,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत होती है। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 12वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों हमारा 12वां जो बिजनेस है वो है बैंडेज मेकिंग बिजनेस। दोस्तों ये बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया बिजनेस है। इस बिजनेस के अंदर कमाई भी बहुत ही अच्छी खासी है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,80,000 रुपये तक होता है।
दोस्तों बैंडेज का यूज कहाँ पर होता है तो आपको पता ही होगा, हर हॉस्पिटल में जो है इसका यूज किया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा चलने वाला प्रोडक्ट है। आप बैंडेज बनाकर जो है मेडिकल शॉप हो गई, हॉस्पिटल हो गई, वहाँ पर सेल कर सकते हो। दोस्तों बैंडेज मेकिंग मशीन जो है नई मशीन है मार्केट में। इस मशीन के बारे में भी बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस बिजनेस को शुरू करके आप एक दिन के बहुत ही आसानी से जो है 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को करके जो है आप 7,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक कमा सकते हो। आपके आसपास जितने भी गाँव है, जितने भी बड़े बड़े शहर है, उस सभी जगह पर जो है आप बैंडेज बनाकर सप्लाई कर सकते हो। बैंडेज की आप मशीन देख सकते हो किस प्रकार से जो है बैंडेज बनती है। तो दोस्तों ये था हमारा 12वां बिजनेस। अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 13वें बिजनेस के बारे में। तो दोस्तों हमारा 13वां जो बिजनेस है वो है ऑयल मिल का बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली अगर आप ऑयल मिल का बिजनेस शुरू करते हो तो आपको 1 करोड़ रुपये तक के इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है। लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको एक ऐसी छोटी सी मशीन बताने वाला हूँ, इस मशीन को लगाकर आप जो है 80,000 रुपये में ऑयल मिल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मात्र 80,000 रुपये में जो है आप ऑयल मिल का बिजनेस शुरू कर सकते हो। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो ये छोटी छोटी जो मशीनें आप देख रहे हो, इनको तेल की घानी बोला जाता है। इन मशीनों को लगाकर अगर आप बिजनेस को शुरू करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट भी कम लगेगा और आपका जो तेल है वो मार्केट में ज़्यादा सेल होगा, क्योंकि इस मशीन से जो भी तेल निकलता है वो एकदम प्योर तेल निकलता है। जी हाँ दोस्तों, सभी पोषक तत्व जो है इस तेल के अंदर अवेलेबल होते हैं। मार्केट में आपने जो बड़ी बड़ी मशीनें देखी होगी उसके अंदर आपका तेल जो है गर्म होकर बाहर आता है, उसकी वजह से उसके अंदर के जो पोषक तत्व है वो ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों तेल की गाड़ी का जो बिजनेस है, तेल की गाड़ी की मशीन अगर आप लगाते हो तो ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस है, बहुत ही शानदार बिजनेस है। और आपको पता ही होगा तेल की डिमांड जो है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा है, हर घर में तेल का यूज किया जाता है और आप इस मशीन को लगाकर सभी प्रकार के तेल निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस मशीन को लगाकर आप एक ही प्रकार का तेल निकाल सकते हो, आपकी जो इच्छा हो वो तेल जो है आप इस मशीन से निकाल सकते हो। दोस्तों प्योर तेल होने की वजह से मार्केट में आपके तेल की जो है प्राइस भी ज़्यादा होगी और आपके तेल की डिमांड भी ज़्यादा होगी। इस बिज़नेस को शुरू करने के लिए 80,000 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है और इस बिज़नेस को स्टार्ट करके आप एक दिन के कम से कम 3 से 4 हज़ार रुपये तक कमा सकते हो, यानी महीने के जो है 1 लाख रुपये तक आप इस बिज़नेस से कमा सकते हो। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 14वें बिजनेस के बारे में। दोस्तों हमारा 14वां जो बिजनेस है वो बहुत ही शानदार बिजनेस है। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में अभी बताया था कि लास्ट में मैं आपको 2 बिजनेस ऐसे बताऊंगा जो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में शुरू होते हैं। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप मात्र 5,000 रुपये में शुरू कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, कम पैसों में बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो ये बिजनेस बहुत ही बढ़िया है। मात्र 5,000 रुपये में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। इस बिजनेस का जो नाम है वो है गरम मसाला मेकिंग बिजनेस। जी हाँ दोस्तों, इस बिजनेस के अंदर आप 20 से भी ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट तैयार कर सकते हो। जैसे गरम मसाला आप पैकेजिंग कर सकते हो, ड्राई फ्रूट आप पैकेजिंग कर सकते हो, मतलब आपके मन में जो प्रोडक्ट आए वो प्रोडक्ट आप पैक करके जो है मार्केट में सेल कर सकते हो। दोस्तों गरम मसाला पैकेजिंग जो बिजनेस है, ये बिजनेस आपके मात्र 5,000 रुपये में शुरू हो जाता है। आप वीडियो के अंदर ये जो सामान देख रहे हो, ये पूरा सामान आपको जो है 3,500 रुपये में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, मात्र 3,500 रुपये में आपको ये सामान मिलता है, यानी इस सामान को खरीद कर आपका बिजनेस शुरू हो जाएगा। ऊपर के जो 1,500 रुपये होते हैं उससे जो है आप मार्केट में से गरम मसाला वगैरह खरीद सकते हो, यानी टोटल 5,000 रुपये में आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। दोस्तों इस बिजनेस को आप शुरू 5,000 रुपये में कर सकते हो, लेकिन इस बिजनेस से आप पर डे, जी हाँ दोस्तों, एक दिन के ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये तक भी कमा सकते हो। यानी मात्र 5,000 का इन्वेस्टमेंट आप करोगे और एक दिन की कमाई भी आपके 5,000 रुपये की होगी। यानी दोस्तों बहुत ही बड़ी बात है कि इतना कम इन्वेस्टमेंट और इतनी ज़्यादा कमाई, क्योंकि इस बिज़नेस के अंदर इतने अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट आप बना सकते हो कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। तो दोस्तों वीडियो के अंदर आप ये जो सामान देख रहे हो, 3,500 रुपये का ये टोटल सामान है, इससे आपका ये बिज़नेस शुरू हो जाएगा। अगर आप इस सामान को ख़रीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट कॉल करके जो है इस सामान को ख़रीद सकते हो। दोस्तों अभी हम बात कर लेते हैं हमारे 15वें यानी लास्टवें बिज़नेस के बारे में। दोस्तों हमारा लास्टवा जो बिज़नेस है ये बहुत ही बढ़िया बिज़नेस है, बहुत ही शानदार बिज़नेस है। दोस्तों ये प्रोडक्ट 1 रुपये का है, लेकिन इस प्रोडक्ट से जो है लोग करोड़पति बन गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एकदम सही सुन रहे हो, जिन लोगों ने जो है इस प्रोडक्ट को 20 साल पहले बनाना शुरू किया है, आज उन्होंने जो है इस बिज़नेस से इतना पैसा कमा लिया है कि आप सोच नहीं सकते।
दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है इसका नाम है पेप्सी। जी हाँ दोस्तों, पेप्सी। अलग अलग एरिया में इनको अलग अलग बोला जाता है, इनको आइस कैंडी भी बोला जाता है, छुस्की भी बोला जाता है। तो दोस्तों पेप्सी बिजनेस जो है आपके 5,000 रुपये में शुरू हो जाता है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, पेप्सी जो है कुछ इस प्रकार से बनाई जाती है। मात्र 5,000 रुपये में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करके जो है आप महीने के बहुत ही आराम से 60,000 रुपये तक कमा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये एकदम रियल बात है। दोस्तों इस बिजनेस को करके आप महीने के 60,000 रुपये तक बहुत ही आसानी से कमा सकते हो। जिन लोगों ने इस बिजनेस को शुरू किया है वे आज महीने के 1,00,000 रुपये तक भी कमा रहे हैं। दोस्तों ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस पूरे साल में 8 महीने चलता है। जी हाँ दोस्तों, 8 महीने तक इस प्रोडक्ट की और इस बिजनेस की मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड होती है। 8 महीने में आपको जितना पैसा छापना है उतना पैसा आप इस बिजनेस से छाप सकते हो। दोस्तों इस बिजनेस का नाम है पेप्सी बिजनेस, और इस बिजनेस में जो भी प्रोडक्ट तैयार होता है उसका नाम भी पेप्सी है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, पेप्सी कुछ इस प्रकार से तैयार होती है। अभी आप सोच रहे होंगे कि हमें पेप्सी बिजनेस शुरू करने के लिए पेप्सी के सामान की ज़रूरत होगी, तो दोस्तों पेप्सी बनाने का जो पूरा सामान है वो आपको मिल जाएगा। पूरे 4,000 रुपये का ये पूरा सामान आता है। आप वीडियो के अंदर देख सकते हो, ये जो सभी सामान आप देख रहे हो, ये सभी सामान आपको 4,000 रुपये में मिलेगा, जिसमें आपको मशीन भी मिलेगी, रोल भी मिलेंगे, फ्लेवर भी मिलेंगे, यानी टोटल आइटम जो है आपको मिल जाएगी मात्र 4,000 रुपये में। यानी दोस्तों 4,000 रुपये ये हो गए, और 1,000 रुपये और अदर खर्च मान लो, यानी मात्र 5,000 रुपये में आपका ये बिजनेस जो है शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, मात्र 5,000 रुपये में जो है आपका ये बिजनेस शुरू हो जाएगा। अगर आप इस पूरे सामान को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएंगे कंपनी के, आप डायरेक्ट उस नंबर पर कॉल करके इस सामान को खरीद सकते हो और अपना खुद का एक बिजनेस शुरू कर सकते हो, और महीने के बहुत ही अच्छे खासे पैसे जो है आप इस बिजनेस से कमा सकते हो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ये 15 के 15 बिजनेस आइडिया बता दिए हैं। अगर आपको इस बिजनेस से रिलेटेड, इन 15 बिजनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपको रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इसी प्रकार की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।